भाई यार आराम चल रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने टेंट लगा दिया है, ये बड़ा वाला टेंट, और इसके अंदर ही हमने यहाँ पे हमारा बारबेक्यू तैयार हो चुका है। कोयले लगा दिए हमने, कर लिया इन्होंने तंदूरी रेडी। तो दोस्तों बच चुके हैं अभी रात के बाद, और हमने पूरी बॉनफायर दुबई से। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस, और आज हम मारे के जंगलों में शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से, शोरगुल से बहुत दूर प्रकृति की गोद में। और आज का प्लान है हमारा नाइट कैंपिंग, और देखिए कैसा रहता है हमारा। बाकी अभी हो रहे हैं आपके अराउंड समथिंग 2 o'clock। तो जिस जगह आज हम जा रहे हैं वो जगह है बिल्कुल मतलब टॉप पे, पहाड़ी के टॉप पे एक बहुत बड़ा सा फील्ड है, अभी तक किसी ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो चलिए आज हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए कि बिल्कुल एकदम से पहाड़ी के टॉप में जंगलों के बीच से होते हुए एक कितनी शानदार सी जगह है, हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और ब्लॉग लास्ट तक देखिए। तो लोग सोचते होंगे ना कि इसमें क्या मेहनत लगती है, बहुत ही आसान सा होता है कि घूमो, कहीं जाके बैठ जाओ, खाना वाना बनाओ और खा पी के चल लो। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों ना। अब आज का दिन ही देख लो, सुबह से चल रहे हैं हम लोग, सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, दिन का खाना खा नहीं पाए, टाइम नहीं बचा था, और हम लोग निकल लिए। तो अब हो रही है शाम, और देखो अब सिर्फ रात का ही बनाएंगे रात को खाना, और रात को ही खाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ की खतरनाक सी चट्टान, पूरी एकदम से रास्ता बीचों बीच कटा हुआ है चट्टान से, और भाई के जूते भी फिसल रहे हैं, भाई को थोड़ा सा चलने में तकलीफ हो रहा है। आराम से, हाँ इसको देखते हुए चलना, आराम से आराम से, भाई पकड़। हाथ पकड़ते हुए चलो ना, आराम से भाई, आराम चल रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल नॉर्मल ले जाना था यार, अरे इतना सही है, खत्म हो गया, इतना सही है बस, नहीं बस। तो भाई थोड़ा सा ऊंचाई से यहाँ हमको भी डर लग रहा है, बाकी मैं भी ऐसे ही चलता हूँ जैसे भाई चल रहा है। भाई इसके सामने मैं थोड़ा सा बहादुर बन रहा हूँ, वहाँ की हालत बराबर खराब है, देख लो। इसी रास्ते से गाँव के लोग लकड़ी लकड़ी लेके जाते हैं, और यहीं से घास लेके जाते हैं, देख लीजिए ना खाली हाथ चलने में। थोड़ा सा भाई के लिए टफ हो चुका है, भाई को थोड़ा हाइक पे फोबिया होगा ना। तो देख लो दोस्तों इतना छोटा सा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में ही हमको सबसे ज़्यादा टाइम लगा। तो दोस्तों फाइनली हो भाई, पहली बार आए हो ऐसी जगह। तो फाइनली गाइस 6 घंटे चलने के बाद अब हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, बाकी आप लोग व्यू देख लीजिए चारों तरफ का,
यहाँ से बस सोचो सामने टॉप दिख रहा है, यहाँ रहते आर्मी वाले, आरआर वाले, बाकी उसके बाद कोई नहीं रहता है। तो यहाँ से आप ये देख लीजिए। मैं कह रहा था ना कि ऐसा लगता है कि आसमान और धरती दोनों यहाँ पे मिल जाती है। तो देखिए ये हमारे यहाँ का मारा फील्ड बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अपने कैंपिंग स्पॉट पे, यहाँ पे हम कैंप करेंगे। आप पहले यहाँ से 360 व्यू देख लीजिए, और यहाँ पे हम करेंगे अपना कैंप सेट। तो दोस्तों हो चुकी है हल्की हल्की बारिश शुरू, और हम लोग अब टेंट लगा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों अब अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म में आने लगा है। हमने एक पोल इस तरफ और एक पोल इस तरफ लगा दिया, और ऐसे बात दिया, और बने रहिए, देखते रहिए हम कैसे लगाते हैं यहाँ पे टेंट का सेटअप। अपना स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, इनफ स्पेस है अपने पास। इसके अंदर हम लगाएंगे अपना दूसरा टेंट, और ये लगाया है कि हमने मौसम देखते हुए ना, इन द केस बारिश होगी, बादल आ रहे हैं, तो बरसात होती है तो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे छोटा टेंट, और ये लग चुका है हमारा बड़ा वाला टेंट। तो हम चला रहे हैं आप रात, और बस रात होने वाली है। उसके ऊपर और यहाँ पे हम जलाएंगे बड़ा सा बॉनफायर, ताकि कोई जानवर वानवर ना आए, और वहाँ पे हम बनाएंगे अपना चूल्हा। और फाइनली गाइस अपनी आग जल चुकी है, और आग की गर्मी तो जरूरी थी अभी ना, और ठंडा होने लग गया है। देखो ना जंगल के अंदर एकदम पूरा डार्क सा हो चुका है, और जंगल देखो कितना प्यारा सा है यहाँ का। सेफ्टी गाइस, सांप कीड़े जंगली जानवर, और पहली चीज जंगलों में जब भी जाए अकेले कोई ना घूमे। तो एक जरूरी काम होता है कभी भी जंगलों में आए, तो जंगलों की जो रूहें होती ना, उनके लिए हम हमारे कल्चर में रहता है कि हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आज हम यहाँ आए रात को, तो जंगल की रूहें जो भी हैं। यहाँ पे कट चुका है टमाटर, लहसुन, प्याज, और ये कट चुका है चिकन। इसको तो इसको भाई लोग तंदूर बनाएंगे। यहाँ पे कोयले तैयार हो रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, अच्छा है। तो इसमें मार रहे हैं हम लोग कट, तो जो भी अब इसमें हम मसाला लगाएंगे तो मसाला अंदर तक जाएगा, और इसमें हम तेल रब करेंगे, और देखिए कैसा बनता है। ऐसे बारबेक्यू हुआ रोस्टेड। यहाँ पे हमारा बारबेक्यू तैयार हो चुका है, कोयले लगा दिए हमने नीचे, कोयलों पे पकेगा, और साइड पे आग जलाई जल रही है। और यहाँ पे हमारा एक और चूल्हा है, इस पर हम वाला चिकन पकाएंगे। बाकी अपने को चिकन खाना नहीं है, अपने को हम बनाएंगे अपने लिए चटनी, और टमाटर है अपने पास, धनिया है, डाल के बना लेंगे आप लोग चटनी, और ये भाई लोगों के लिए चिकन तैयार होगा। एक बार दिखा देता हूँ कि कभी कैंप करने के लिए आओ तो क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो खाने का चीज़, जैसे आपके पास टमाटर, लहसुन, इसमें चावल है, वो प्याज, वो चिकन कटा हुआ जो इन लोगों ने बनाने के लिए रखा है, और वो रोस्टेड चढ़ा दिया है, मतलब बारबेक्यू कर रहे हैं उसको, और यहाँ पे जला रहे हैं आग। अब इसमें इसको चढ़ा देंगे और वो साइड पे चलता रहेगा। और अपने पास है एक, हम
ये बड़ा वाला टेंट लाए हैं ताकि अगर बारिश होती, बारिश का वो चल रहा है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट दे रखा था। और ये है अपना कैंप, तो इस पे पड़ा है अपने पास। हम आज ज़्यादा कुछ नहीं लाए क्योंकि इतना हम चार ही लोग थे, तो हम दो स्लीपिंग बैग लेके आए थे और ये बिछाने के लिए। और बाकी ये दो भाई सडन अभी अभी आए, इन लोगों की गिनती नहीं थी और ये अचानक से आ गए सरप्राइज इनकी तरफ से। तो चलो हो जाएगा, रात कट जाएगी। और पानी के जार लाए थे हम नीचे से भर के, और अभी और इनको भेजा है हम लोगों ने 2000 पानी लाने के लिए। और देख लीजिए यहाँ का व्यू, मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है। बाकी ये जगह स्टार गेजिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप रात को आसमान देखोगे ना, पूरा सितारों से भरा हुआ, एकदम क्लियर, कोई भी लाइट का पॉल्यूशन ही नहीं है, चारों तरफ फुल डार्कनेस है। लाइट कहनी फिर नीचे दिखेगी आपको, तो देखो वो ऊपर के गांव हैं जो टॉप टॉप पे हैं, उनकी लाइट दिख रही है। दोनों चूल्हे पे काम चल रहा है, इस पर अभी हम चिकन चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे बॉनफायर जल रही है और उसके उस तरफ को रोस्टेड तैयार हो रहा है, गर्म रहेगा अभी इसको, खाएंगे भाई लोग। और आप मेरे को देखना, मैं अपने लिए चटनी कैसे तैयार करता हूँ। तो ये है अपने पास चेरी टमाटोज और ये धनिया और इसमें चिली। अब इसका बना रहे हम लोग चटनी। चलो अच्छा गिलास पकड़ो डालो। तो हमारे पास कोई ज़्यादा हैवी कुछ है नहीं, हम इस गिलास में इस चटनी को बनाएंगे। और तो चाकू का जो पीछे वाला इस हैंडल है उससे आप चट्टी कूट रहे हैं। और रात के साथ अब ठंडी भी बढ़ रही है, बाकी आसमान साफ है, बारिश नहीं हुई, ये हमारे लिए सबसे अच्छा हुआ हमारे साथ। बाकी हर जगह हर टाइम पे जब भी हम ऐसे आउटिंग करते हैं तो बारिश हमेशा हो ही जाती है। तो अपनी चटनी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ। एकदम रफ टाइप की चटनी है, इसमें सब चीज़ मिक्स है। कर दिया इन्होंने तंदूरी रेडी, बिल्कुल फुल रेडी कर दिया। और साइड में इन्होंने कलेजी अलीजी जो भी था उसको प्याज टमाटर में टॉस करके मसाले डाल के रेडी कर लिया है। अपने को खाना नहीं है, बाकी मुंह में बहुत पानी आ रहा है। बाकी देख लीजिए कितना प्यारा सा और कहना है। तो हम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे थे, तो मैं आपको वो बता रहा था ना ऊपर आर्मी वाले रहते हैं, तो वो जो आपको लाइट दिख रही है हल्की सी, वो नीचे आ रहे हैं ऊपर से, ऊपर से नीचे आ चुके हैं। यहाँ वो देखने के लिए आ रहे हैं कि कोई लकड़ी काटने के लिए तो नहीं आया है, मतलब चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आ चुके हैं आर्मी वाले, ये अपनी बॉनफायर और चावल तैयार हो चुका है, इस पर चढ़ा रहे हैं अब हम चिकन जो इन लोगों के पास है। तो दोस्तों ये हो चुका है चावल रेडी और इस पर अपना चिकन रेडी हो चुका है। बाकी ये लोग खाएंगे चावल और चिकन, बहुत प्यारा सा बनाया था इन लोगों ने। अपने को खाना नहीं है अभी नॉनवेज, अपने पास चटनी पड़ी हुई है। और रात करीबन अब बजने वाले हैं 11:30, खाना आना बनते बनते हो गया इतना टाइम। बाकी अब मिलते हैं अब हम आपको कल सुबह नई रोशनी के साथ। तो दोस्तों बच चुके हैं अभी रात के बाद, और हमने पूरी बॉनफायर दोबारा से सेट कर दी है, बड़े बड़े से इसमें लकड़ियाँ डाल दी है। अभी रात भर जल्दी रहिए, और भाई लोग अब सब नींद आने लग गई, और ये भाई दोनों पैक हो चुके हैं, अब ऐसे इधर पे हम भी सो जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अब हो चुकी है सुबह के अभी बज रहे हैं 7। थोड़ा सा कल रात को सोने में देर होगी तो इस वजह से नींद भी खुली। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारी कल की लोकेशन हमारी कैसी थी। तो कल रात को तो दोस्तों इतने अच्छे से आपको दिखा नहीं पाए, दिखाते हम आपको हमारे फील्ड। तो यहां से देखिए 360 व्यू,
तो गाइस फाइनली हमारा मारे का ट्रैक पूरा हो चुका है और हम कल रात को यहाँ रुक भी गए, हमने यहाँ पे कैंपिंग भी कर ली। और ये जगह पड़ती है आपका धारचूला से अराउंड समथिंग 8 से 10 घंटे की दूरी पे, और कुछ रास्ता है आपका रोड और कुछ रास्ता आपको पैदल ट्रैवल करना है। तो ये जगह यहाँ की मतलब थोड़ी सी अनएक्सप्लोर्ड टाइप की जगह है, ये मतलब यहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ यूजुअली बहुत ही कम लोग आते हैं। और उस साइड को पड़ता है धारचूला को, तो उस साइड को नीचे है, तो वहाँ मतलब लोग बहुत आते रहते हैं। हम लोग यहाँ आए, हमारा कैंपिंग बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ। तो अब जाने का टाइम हो गया, तो अब देवी माँ के लिए जंगल की रूहों को हम अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देंगे और फिर हम यहाँ से चल देंगे। तो दोस्तों अब इतना ज़्यादा टास्क बचानी है, अब अपने को करना है छोटा सा काम, सफाई करनी है, जितना भी हम अपने साथ प्लास्टिक लाए थे उसको हम अपने साथ ही लेके चलेंगे यहाँ से, और कभी भी आए तो साफ सफाई का ध्यान दें, अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना इधर। बस अभी पैक करना है और लगभग हो चुका है, पैकिंग हमारी रेडी हो चुके हैं सब।